हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है अमेरिकन नॉवेलिस्ट टोनी मॉरिसन द्वारा 1985 में लिखी गई नॉवेल बिलोवेड की, अमेरिकन सिविल वॉर खत्म होने के बाद के वक्त पर आधारित। यह कहानी एक पूर्व गुलाम परिवार की है जो अब एक आत्मा के साए से ग्रसित है। सेठी अपने 18 साल की बेटी डेनवर के साथ सिनसिनाटी में अपने भूतिया घर 124 ब्लूस्टोन रोड में सालों से रहती है। सेठी की सास बेबी शख्स सालों पहले गुजर गई थी और सेठी के दो बेटे हार्वर्ड और बगलर सेठी का घर छोड़कर भाग गए थे। घर के लोगों के साथ सेठी के घर की चीजें भी इधर उधर होती थी और यह सब उनके साथ रहने वाले भूत की वजह से हो रहा। लोगों को लगता था आत्मा सेठी की सबसे बड़ी बेटी बेटी का है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, और यह सच भी था। अपनी आजादी पाने से पहले सेठी अपने 13 साल के उम्र से ही एक गोरे को बेच दी गई थी और वो अब एक गोरे के घर में गुलाम थी, जहां वो 5 और मर्द गुलामों के साथ काम करती थी। इस गुलामी भरी जिंदगी में सेठी और उसके साथियों की हालत किसी जानवर या चीज से ज्यादा नहीं थी। गोरे इन गुलामों के गले में सिक्कड़ बांधकर उन्हें रखा करते, उनसे तरह तरह के काम कराते और रात में उन्हें एक बक्से में बंद कर बाहर रख दिया करते थे। जो भी गुलाम इन गोरों से भागने की कोशिश करता वो उन्हें बेरहमी से मार दिया करते थे। सेठी के साथ रहने वाले सारे मर्द गुलाम सेठी को पसंद करते थे, पर सेठी ने गुलाम हैली को चुनते हुए उसके साथ विवाह करने का फैसला किया। 18 साल की उम्र तक सेठी हैली की दो बेटी और एक बेटे की माँ बन चुकी थी और सेठी अब हैली के चौथे बच्चे के साथ गर्भवती भी थी। सेठी के मालिक मिस्टर गार्नर की मृत्यु हो जाने के वजह से मिसेस गार्नर ने अब उनके और भी जालिम देवर स्कूल टीचर को गुलामों से काम करवाने और उनके देखभाल करने कैनूची में बुला लिया था। स्कूल टीचर हद से ज्यादा जालिम था और वो अब पहले से भी ज्यादा सेठी और उसके लोगों पर जुल्म करता था। सेठी जो अपने चौथे बच्चे के साथ पूरी तरह से गर्भवती थी, स्कूल टीचर अपने बच्चे भतीजों का पेट भी सेठी के ही दूध से भरवाता था। सेठी का पति हैले जब सेठी पर ऐसे जुर्म को देखता वो तकलीफ और दर्द से सूना पड़ जाता था। जब सेठी ने मिसेस ग्रैनर से इस बात की शिकायत की तब स्कूल टीचर ने गर्भवती सेठी को तब तक मारना नहीं छोड़ा जब तक सेठी की पूरी चमड़ी उधर न गई हो। सेठी अपने ऊपर जुर्म सहते सहते और अपने साथियों पर जुर्म देखते देखते अब थक चुकी थी। वो कैसे भी करके इस गुलामी की जिंदगी से बस भाग जाना चाहती थी। सेठी ने अपने दो बेटे और एक बेटी को उनकी दादी बेबी शख्स के साथ सिनसिनाटी भेज दिया था। सेठी का पति हैले ये सब देख देख के अब पागल हो चुका था। सेठी भी अब गुलामी की जिंदगी से भाग जाना चाहती थी। पूरी तरह गर्भवती सेठी एक दिन स्कूल टीचर के चंगुल से भागने में कामयाब हो जाती है, पर जंगल में ही चक्कर खाकर गिर जाती है, जहां एक गोरी आंटी एमी डेनवर सेठी की मदद करती है। एमी सेठी के बच्चे का जन्म करवाती है और सेठी को स्वस्थ करती है। डेनवर का सेठी पर उपकार के वजह से सेठी अपनी छोटी बेटी का नाम भी डेनवर रखती है। अब और एक आदमी की मदद से सेठी ओहियो रिवर पार करके बेबी शख्स यानी अपने सास के पास सिनसिनाटी पहुंचती है और अपने तीन बच्चों से भी मिलती है। गुलाम बनने के बाद से यह सेठी के जिंदगी के पहले 28 दिन थे जो वो खुशी खुशी सिनसिनाटी में अपने बच्चों के साथ आजाद गुजारती है। सिनसिनाटी में सेठी की सास बेबी शख्स वहाँ के काले लोगों के गुरु की भूमिका भी निभाती थी। स्कूल टीचर आखिर सेठी का पता लगा ही लेता है और वो सिनसिनाटी सेठी और उसके बच्चों को वापस कैनूची लेने आ जाता है। सेठी दोबारा उस दरिंदे के साथ अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहती है, इसलिए वो अपने बच्चों को लेकर लकड़ियों में भागने लगती है। सेठी यह भी नहीं चाहती उसके बच्चे वही गुलामी की तकलीफ से गुजरे जिससे सेठी गुजर रही थी, इसलिए वो अपने बच्चों को गुलाम बनने से बेहतर उन्हें मार देने का चुनाव करती है। और इसी डर के साथ सेठी अपने सबसे बड़ी बच्ची का गला आरी से काट देती है। वो अपनी बच्ची के कब्र को बिलोवेड का नाम देती है। यह सब देख स्कूल टीचर सोचता है सेठी पागल हो गई है और उसे ले जाना अब ठीक नहीं होगा, इसलिए स्कूल टीचर वहां से भाग जाता है। सेठी को जेल हो
जाती है और बेबी शख्स सेठी के तीन बचे हुए बच्चों के साथ दुखी और मानसिक तौर पर टूटकर घर लौट जाती है। अपनी पोती को खो देने का सदमा बेबी शख्स को डिप्रेशन में ढकेल देता है और समाज से भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपने घर पे ही अकेले रहने लगती है। अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो जाता है, गुलामों को आजादी मिल जाती है, सेठी को भी किसी तरह जेल से रिहाई मिल जाती है और वो अपने घर बेबी शख्स और तीन बच्चों के साथ रहने लौट जाती है। डिप्रेस्ड बेबी शख्स थोड़े वक्त बाद मर जाती है और सेठी के दो बेटे हार्वर्ड और बल्गर अपनी बड़ी बहन की आत्मा और अपनी माँ से डर कर अपनी माँ सेठी और अपनी छोटी बहन डेनवर को छोड़कर कहीं भाग जाते हैं। डेनवर और सेठी की जिंदगी उसकी बहन और सेठी के आत्मा के साथ यूं ही गुजर रही थी कि एक दिन सेठी के साथ काम करने वाला एक गुलाम पॉल डी सेठी के घर सिनसिनाती में आता है। पॉल डी भूतों और आत्माओं को भगाने का भी काम करता था, इसलिए पॉल डी के आने से बिलोवेट की आत्मा ने भी सेठी का घर छोड़ दिया था। डेनवर के लिए उसकी बहन की आत्मा ही उसकी साथी थी, इसलिए डेनवर पॉल डी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। और अब पॉल, जो सेठी को गुलामी के वक्त से पसंद करता था, उसने सेठी के साथ आगे जीवन बिताने का फैसला भी कर लिया था। एक दिन सेठी, पॉल और डेनवर एक कार्निवल से घूमकर जब घर लौटे तो उनके घर के सीढ़ियों पर एक बड़ी बच्ची अजीब कपड़ों में बैठी थी, जिसने अपना नाम बिलोवेट बताया। यह बच्ची की उतनी ही उम्र थी जितनी सेठी की मरी बच्ची की हो रही होती। सेठी जान चुकी थी यह उसकी बच्ची बिलोवेट का ही रूप है और सेठी अपनी गलतियों को सुधारने बिलोवेट को अपने साथ उनके घर ले आई। बिलोवेट एक नाराज और परेशान आत्मा थी, वो सेठी की जिंदगी खराब करना चाहती थी। जब भी सेठी और पॉल करीब आने की कोशिश करते, बिलोवेट जानबूझकर पॉल को खुद के प्रति आकर्षित करने लगती। बिलोवेट पॉल के साथ पॉल के मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध भी बनाने लगी और इधर बिलोवेट सेठी को अपने इशारों पर भी नचाने लगी थी। बिलोवेट सेठी से अपनी सारे बातें मनवाती और सेठी बिलोवेट से अपनी गलती की बस माफी मांगती रहती। वक्त के साथ साथ बिलोवेट ने सेठी की नौकरी, उसके पैसे और सेठी की शरीर की ताकत सब छीन लिया था और खुद ताकतवर और मोटी होती जा रही थी। बिलोवेट ने पॉल को यह बताया कि सेठी अपने बच्चे की कातिल है और पॉल को सेठी से दूर कर दिया था। इसके बाद भी बिलोवेट यह समझने के लिए तैयार नहीं थी कि उसकी माँ सेठी ने उसे क्यों मारा था। अपनी माँ सेठी की ऐसी हालत देखते देखते डेनवर ने पहली बार अकेले अपने कदम बाहर निकालते हुए एला, जो भूतों को भगाने का काम करती थी, उसे अपनी माँ सेठी के मदद के लिए बुलाया। जब एला वहाँ पहुँची तो उसने देखा बिलोवेट निवस्त्र और गर्भवती खड़ी उनके ऊपर हंस रही थी। तभी डेनवर को नौकरी पर रखने एक आदमी मिस्टर बॉडविन उनके घर पहुंचते हैं, जिसे देख सेठी को यह लगता है यह उनका गोरा मालिक स्कूल टीचर है और वह बर्फ तोड़ने वाली हथियार उठाकर बॉडविन पर हमला करने दौड़ती है। पर सेठी का यह रूप दोबारा देखकर बिलोवेट की आत्मा सेठी को छोड़ कभी न लौटने के लिए वहां से भाग जाती है। सेठी, जो अपनी सास बेबी शख्स की तरह उनके ही बिस्तर पर बीमार होकर समा गई थी, उसके जिंदगी में एक बार फिर पॉल लौटता है। पॉल इस बार सेठी की जिंदगी में खुशियां भरने और बिलोवेट के सारे ख्वाब मिटाने के लिए लौटा है। डेनवर काम करने अपने जिंदगी में आगे बढ़ जाती है और पॉल और सेठी साथ रहने लगते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।